हेलो नाजरीन, वेलकम है आपका कंपैरिजन की शो में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और टॉपिक ये है कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे हक में बेहतर है या नहीं। चलिए तो दोनों मेहमानों का वेलकम करते हैं, टेक्नोलॉजी के हक में और टेक्नोलॉजी के खिलाफ। आ जाए शुक्रिया। अच्छा भाई, तो आप बताएं कि टेक्नोलॉजी हमारे हक में बेहतर क्यों नहीं है? यार देखो, टेक्नोलॉजी ने आपको दिया है, ठीक है। जब भी टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस होती है हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल आ रही होती है। सही है, मेरे ख्याल में जो अभी तक हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है ना, वो भाई ये है कि आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। यार आप इंसानों को छोड़ के मशीनों को जॉब दे रहे हो, अलग ऑफ कर रहे हैं भाई, कैसी हरकत है? क्यों इंसानों को छोड़ के मशीनों को जॉब दे रहे हो? भाई मशीनों को जॉब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मशीनें काम आसान करती हैं, आपका टाइम बचाती हैं और आपके फजूल के खर्चे बचा सकती है। जो आप फजूल के 10-10 बंदों को रख के काम करवाओगे वो सिर्फ एक मशीन का अकेली कर सकती है कम एक्सपेंसेस में। ये कह रहे हैं कम एक्सपेंसेस में आप रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। आप ये बताओ, मशीन को किसने बनाया? इंसान ने। हाँ सही है, तो मतलब इंसान का भाई दिमाग है ना, मशीन के पास दिमाग नहीं है, सेंसेस नहीं है। अभी हमें मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहिए। और चलो यार इसको छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, लोअर क्लास तबका जो है हमारी कंट्री में, लोअर क्लास उसके लिए ये मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं जाती है? उसके लिए तो लाइफ सिंपल ही है, सेम है भाई। अगर कोई नई गाड़ी भी आ रही है, नया कोई आईफोन भी आ रहा है, उससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा उसके लिए, तो उसकी जिंदगी तो भाई ये कह रहा है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं जो गोटों में रहते हैं वो तो आईफोन नहीं खरीद सकते, आईफोन है। भाई जो इसके बाद की पहली बात तो उसने कही थी कि गरीबों में रहते हैं वो इसलिए आसान हो सकता है उनका काम क्योंकि वो भी कुछ कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जिंदगी में। मशीनों का इस्तेमाल करके जैसे खेती बाड़ी करता है बंदा, और मशीन इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर जैसे गाँव देहातों में लोग रहते हैं, दूर दूर जाते हैं पैदल चल के पानी निकालने उतरते, वो सारी चीजें हो सकती है आपकी मशीन के जरिए। सही। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा स्कोप है मशीनों का, तो आपका क्या मानना है? इनकी बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन आप ये बताओ यार वो जो एग्रीकल्चर के लिए वो ट्रैक्टर वगैरह वो यूज कर रहे हैं, सही है, उसका खर्चा आ जाएगा? खर्चा तो बढ़ गया ना मशीन से, ठीक है। इसी तरह अगर आप बाइक, तो देखो हमने रोजमर्रा जिंदगी में आप फ्रिज यूज करते हो पानी ठंडा करने के लिए, ठीक है, उसका भी फ्रिज का बिल आ रहा है, उससे भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे ना। लेकिन भाई वो जो बिल आ रहा है उसको बिल कैसा आ रहा है? बिजली का बिल आ रहा है, बिजली कैसे बनती है? आपके 10,000 फाइन, आप कचरा भी फेंकते हो ना उससे ही बिजली बनती है, आप हफ्ते हो ना उससे ही बिजली बनती है आपकी। भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं मतलब ये कचरे से बिजली पैदा कर, भाई आप पढ़ नहीं रहे ना, आप असल में गाँव देहात में रहते हो इसलिए आपको पता नहीं। चलो थोड़ा भी इस बात बहस में नहीं जाते, अब हम एक और बात करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी सच में यूजलेस है? मेरे लिहाज से नहीं। नहीं तो क्यों नहीं है, क्या और क्या वजूहत हो सकती है? भाई आप सुबह उठते हो, इससे शुरुआत करते हैं, आगे आप सुबह उठते हो, आप कैसे उठते हो? अलार्म लगा के उठते हो, टेक्नोलॉजी है आपकी। उसके बाद आप बाथरूम जाते हो अपने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए नल खोलते हो, क्या टेक्नोलॉजी है? सब अब हाँ, तो पानी आ रहा है पीछे से, प्रेशर आ रहा है पंप के थ्रू, वाटर के क्या बोलते हैं उसको, वाटर पंप ना क्या बोलते हैं, मोटर 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 के थ्रू जो पानी आ रहा है। यार आप सब छोड़ो, आपसे दूसरे सही, आप पहले लोग होता था सही, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग आपस में मिलते थे जुलते थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी आई यार, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, यार मतलब आपको ये बताए कि जो बंदा दूसरे शहर या कंट्री में रह रहा है वो सही है, सही बात। आपका कोई बंदा मैनेज है, इन्होंने कहा कि आप हफ्ते में भी फेसबुक, मुहूर्त में भी फेसबुक, जाते हुए भी फेसबुक, आते हुए भी फेसबुक, आप बताओ यहाँ से सही है ना आपके? अब जैसे आप यहाँ से सही है, यानी आप भग रहे हैं और आपके समय में ये मेरी बात सुनिए आप, हाँ बोले बोले, ये आपका टाइम बचा लिया, अब आप टाइम निकाल के अलग से जाओगे मिलने किसी से भी कोने, अब उसी से जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी से तो उसे हफ्ते वक्त ही मिल लो उससे फेसबुक पे, ज्यादा आसानी। ये बात भी उनकी थी क्या, हफ्ते वक्त ही मीटिंग कर ले? मीटिंग मतलब यार आप मुझे बताए कि रोजमर्रा के क्या नुकसान? रोजमर्रा की बात है, आप टीवी देखते हो? देखते हो आप टीवी? यार आज कल नहीं होता है, मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन पड़े हुए यहाँ पे, सही है, ठीक है। मेरे पास एक पैन भी पड़ा है, अगर आप जो जब भाई खाना ठंडा करना, सॉरी गर्म करना हो तो आप माइक्रोवेव यूज कर रहे होते, हाँ उसकी वजह से कैंसर कर रहे हैं लोगों में।
जो उनकी जो शुआ होती है आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पता नहीं क्या ओजोन लेयर की ओजोन लेयर आ गई एक और लेयर आ गई एक और लेयर आ गई चीज की लेयर होगी ना तैर की लेयर आ गई आप बताए बारे में आपका क्या मन है भाई लेकिन उसके ऊपर तो एक और लेयर चला के अल्यूमिनियम फॉइल में कर दो कल वो बात कर रहे हैं जो इनको इन्होंने पढ़ी है इनको किसी ने मोहल्ले में बता दिया इसके हो सकता है आप भी बता दो ड्रोन होता है ड्रोन होता है बहुत किसी बिल्डिंग में आग लग गई अब फायर फाइटर ऊपर डाल नहीं सकता पानी भेज सकते ड्रोन के जरिए यहाँ पे घरों में पानी नहीं आ रहा है ड्रोन के जरिए पानी भेज लेकिन ड्रोन इतना है एक खटान पानी जाएगा पाइप लेके चले जाता है ड्रोन आपने टीवी नहीं देखते आप पाइप लेके या बोले आजकल ना टेक्नोलॉजी बोले निकालती फीस बोल होती है आइस बोल होती है उसको फेंको फट जाती है और फिर उसका पानी सारी आग पी लेती है लगता है ये स्पाइडरमैन देख कर है तभी ये बोलो की बात कर रहे हैं यार देखो आपको बात बताऊं बिल्कुल जो हमारी जो अभी दुनिया है ना जो हमारी कंट्री है बहुत ही मुश्किल फेज में से गुजर रही है मुश्किल फेज में क्यों बोले क्यों क्योंकि टर्मिनेटर आपने देखी है लेकिन हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने उसको मूवी की तरह देखा पॉपकॉर्न खाया उसके साथ और खत्म इनका मानना है इल्यूमिनाटी रोबोट वर्सेस ह्यूमन यानी रोबोट को तैयार किया जा रहा है हमसे लड़ने के लिए जो जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाने वाले तैयार करा आपका इसके बारे में क्या मानना है भाई जैसा कि इन्होंने शुरू में बात कही थी कि मशीनों को इंसान ने बनाया है तो जिस तरह रोबोट बना तो उसको कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं इंसान ही कंट्रोल कर सकते बेशक मशीनों का एक लिमिटेड दिमाग होता है सही है मतलब सेंस रखते हैं लिमिटेड सही लेकिन इंसान उससे ज्यादा रख के उसको बंद भी नहीं कर सकते ज्यादा होशियार कौन इंसान या रोबोट आखिर में कौन जीतेगा आपने वो देखा था चिट्टी वाली फिल्म हाँ उसने क्या हुआ था एक रोबोट ने इतनी तबाही मचाया वो स्पीड 1 टेराबाइट और 1 मेगा ऐसा कुछ था हाँ बताया तो एंड में हैप्पी एंडिंग हुई थी या नहीं हैप्पी एंडिंग पूरा तबाह हो गया था उसकी सिटी और हैप्पी एंडिंग है आपको अगर टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो आप करें लेकिन उसके एडिक्टिव ना हो इतनी एडिक्शन ना पालें उसकी कि आप टेक्नोलॉजी के अंदर ही घुस जाए और सही इस्तेमाल करें और अगर आपको मैनुअल रहना है वो आपकी मर्जी है लेकिन इस दौर में मैनुअल रहना टाइम मुश्किल है तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है जिस तरह हमारे दोनों गेस्ट ने बताया आज के एपिसोड का इसी तरह इख्तिताम करते हैं मिलते हैं आपकी आपसे अगले एपिसोड में